नमस्कार दोस्तों, जीके रफ्तार चैनल पर आपका स्वागत है एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों, सक्षम योजना के अंदर जब आपको डिबार कर दिया जाता है, सक्षम योजना से बाहर किया जाता है, तो उसके बाद जो प्रोसेस रहता है उसके बारे में एप्लीकेशन आपको कैसे लिखनी है, इसी के बारे में बताएंगे। काफी बच्चों के इसके बारे में कमेंट आ रहे थे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जब आपको डिबार किया जाता है तो आपको ऑनलाइन एक अपील लगानी होती है, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है, पोर्टल पर लॉगिन करके एक अपील ऑनलाइन लगाई जाती है। उसके अंदर आपको सही से रीजन देना होता है कि आप किस रीजन के कारण रिपोर्टिंग नहीं कर पाए, इस प्रकार आपको बाहर कर दिया गया। तो उसी के रिगार्डिंग जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा देते हैं, ऑनलाइन जो आप अपील लगा देते हैं, उसके बाद एडीसी ऑफिस के अंदर भी आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो वो एप्लीकेशन किस प्रकार लिखनी है, इसके बारे में पूरी डिटेल में अच्छे से जानकारी मिलेगी वीडियो के साथ, अंत तक बने रहे। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक सिंपल सी एप्लीकेशन होती है। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बातों की ध्यान रखना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले सेवा में श्रीमान एडीसी महोदय आपका जिला, यहाँ पर आपका जिला के स्थान पर आपका जो भी जिला है उसका नाम लिखना है, हरियाणा। उसके बाद विषय लिखना है सक्षम योजना में नाम जुड़वाने बारे। उसके बाद आपको लिखना है कि निवेदन यह है कि मैं संदीप सक्षम योजना में कार्यरत हूँ। आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, वो आपको लिखना है। और पिछले 3 महीने से या 4 महीने से आप जितने भी दिनों से सक्षम योजना में काम नहीं कर पाए हैं वो बताना है। उसके बाद लिखना है, यहाँ पर मैंने लिखा है क्योंकि मैं बीमार था इस कारण मुझे सक्षम योजना से बाहर कर दिया गया है। यहाँ पर आप अगर बीमार हैं तो आपको उसका जो सर्टिफिकेट है यानी कि डॉक्टर से लिखवाकर आपको देना पड़ेगा कोई भी प्रूफ। अगर आपका अन्य कोई रीज़न रहा है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसके बारे में भी देना पड़ेगा, या फिर कोई और भी आपका कारण हो सकता है, जो भी आपका रीज़न हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और अब मैं इस कार्य को करने में सक्षम हूँ, आपसे अनुरोध है कि मुझे फिर से सक्षम योजना में जोड़ा जाए, आपकी अति कृपा होगी। यहाँ पर प्रार्थी और नीचे आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और दिनांक लिखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको रीज़न, एक ठोस रीज़न देना है जिस कारण आप 3 महीने या 4 महीने रिपोर्टिंग नहीं कर पाए, जिस कारण आपको बाहर कर दिया गया। आप अगर अन्य कोई रीज़न भी देते हैं, जैसे किसी की डेथ हो गई या और हो गई, तो उसके बारे में भी आप कोई ना कोई प्रूफ उनको दे सकते हैं। और इस प्रकार आपको फिर से सक्षम योजना में जोड़ दिया जाता है। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है या अन्य कोई आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जल्द उसका रिप्लाई देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।